नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियो। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बटन को पुश करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। दोस्तों, आज जनरल साइंस में फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किसके मेजरमेंट में करते हैं और इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के आप ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को लगातार अपडेट रखिए। तो पहला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु अगर महासागर में या समुद्र में डूबी हुई है तो उसके लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार बेसिकली नेवी में यूज़ किया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। सोनार में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। एक सोर्स से पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती हैं और वो उस वस्तु तक पहुंचती हैं और फिर उससे परावर्तित होकर के वापस लौटती हैं, और उससे ये पता लगाया जाता है कि पानी के अंदर उस वस्तु की गहराई कितनी है, कितनी गहराई में वह वस्तु स्थित है। तो सोनार के द्वारा नेवी में यूज किया जाता है बेसिकली। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। एनीमोमीटर से किसका मापन करते हैं? पवन के वेग का मापन एनीमोमीटर से करते हैं। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन में से वायु की गति नापी जाती है किसके द्वारा? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। टैकियोमीटर, क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन और दिशाओं का मापन ये टैकियोमीटर के द्वारा करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में, पायरोमीटर का यूज़ होता है। बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट में पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। और पायरोमीटर किसे कहते हैं? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी में से पायरोमीटर किसको बोलते हैं? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर बोलते हैं। और वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो सोलर रेडिएशन के मेजरमेंट में पायर हीलियोमीटर का यूज़ किया जाता है। पायर हीलियोमीटर का यूज़ सोलर रेडिएशन के मेजरमेंट में करते हैं। मैनोमीटर तो गैसों के दाब की माप के लिए, जो प्रेशर होता है, जो गैसेस का प्रेशर होता है उसके मेजरमेंट में मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर का यूज़ सापेक्षिक आर्द्रता को मापने में करते हैं। स्प्रिंग तुला से भार का मापन करते हैं। ओडोमीटर, आपने देखा होगा कि आपके व्हीकल के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और उससे हमें ये पता चलता है कि अब तक हमारे व्हीकल ने इतनी डिस्टेंस तय की है, अब तक इतनी दूरी हमारा वाहन चल चुका है, तो उसे बोलते हैं ओडोमीटर। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के यंत्र को ओडोमीटर बोलते हैं। पहिए कितनी दूरी तय कर चुके हैं उसको बोलते हैं ओडोमीटर, उस यंत्र को ओडोमीटर जिसके द्वारा इसका मापन करते हैं। ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र ओंडोमीटर कहलाता है। ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो बैरोमीटर में यूज़ होता है वो होता है मरकरी का, पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मोरजिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भांति। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनी जाती है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का चाप मापते हैं, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनते हैं, हार्ट बीट जिससे मेजरमेंट किया जाता है और उसे आला बोलते हैं हिंदी में। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता यानी गोल्ड कितना प्योर है इसका मेजरमेंट करेंगे कैरेटोमीटर से। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लक्स मीटर। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होता है और स्टेथोस्कोप से हम हार्ट बीट को सुनते हैं। रडार का उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में।
रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और रिक्टर स्केल में बेसिकली 0 से 9 तक की इकाइयां होती हैं, 0 से 9 तक की यूनिट होती है। और जब हम एक इकाई से दूसरी इकाई में जाते हैं, यानी 0 से 1 में जाते हैं, 1 से 2 में जाते हैं, तो हर बढ़ती इकाई के साथ 10 गुना भूकंप की एनर्जी बढ़ती है, यानी अर्थक्वेक की जो एनर्जी होती है वो 10 टाइम्स इंक्रीज करती है एक यूनिट आगे बढ़ने में। तो इसके द्वारा रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम, और ये किसके द्वारा करते हैं, भूकंपीय लहरों के आयाम के द्वारा करते हैं। सेल्सियस ताप मापन के लिए, किलोवाट और विद्युत मापन के लिए, आरएच उड़क रक्त से रिलेटेड है, रिक्टर स्केल भूकंप का मापन करने के लिए है, भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को, भूकंप से रिलेटेड है सिस्मोग्राफ, ऊंचाई से रिलेटेड है अल्टीमीटर, यानी ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर के द्वारा करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए, फैदोमीटर का यूज समुद्र की गहराई मापने के लिए, बैरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, सिस्मोग्राफ भूकंप से रिलेटेड है। फिर मैनोमीटर, मैनोमीटर दाब मापन के लिए, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन से रिलेटेड है, कार्डियोग्राम हृदय की गति को मापते हैं कार्डियोग्राम से, सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता के लिए, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापन में फोनोमीटर का यूज करते हैं, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। तो दोस्तों ये हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा है देख करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय ज़रूर दिया करें कि हमारे चैनल में क्या क्या हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।